तो क्लास आज हम सीखेंगे एक नए गाने की स्टेप्स। 1 2 3। अरे मिस्टर इंडिया को डांस सिखाया जा रहा है क्या? अरे नहीं बाबा, टीच मोर पे अपनी डांस क्लास का कोर्स अपलोड कर रही हूँ। डांस का कोर्स? हाँ, टीच मोर देता है मेरे जैसे डांस, एक्टिंग, सिंगिंग या पेंटिंग सिखाने वाले टीचर्स को अपनी खुद की वेबसाइट और ऐप, जहाँ हम अपने कोर्सेज के पैकेजेस डाल सकते हैं और दुनिया में कहीं से भी स्टूडेंट्स उन्हें खरीद सकते हैं, समझे? तो हटो ना, वीडियो में आ रहे हो। टीच मोर से आप भी बना सकते हैं अपनी खुद की वेबसाइट और ऐप। आज ही विजिट करें teachmore.com। हेलो फ्रेंड्स, तनवीज किचन में आपका स्वागत है। और गर्मियों में ठंडक देने वाला कोल्ड कोको, तो आज हम कोल्ड कोको की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन कोल्ड कोको मिल्क कैसे बनता है, उससे पहले हम आपको बताएंगे कि कोल्ड कोको प्रीमिक्स कैसे बनाया जाता है। और वो भी यहाँ आपको ये इंग्रेडिएंट्स दिख रहे होंगे, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बनेगा और इसे आप 4 से 6 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, वो भी बिना फ्रिज में रखे। सिर्फ खाली आपको एयर टाइट जार में इसे रखना है। तो आइए कैसे बनाते हैं इसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये 1 कप चीनी, इसके साथ ही मैं ले लूंगी ये ग्राइंडिंग जार और इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। आप अपनी किसी भी कटोरी या किसी भी ग्लास, कटोरी, किसी भी चीज से नाप ले सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है ये 1 कप चीनी और इसको मैं डाल देती हूँ जार में। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ये 1.5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास ये वनीला कस्टर्ड पाउडर नहीं हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर, ये डार्क वाला कोको पाउडर है। अगर लाइट कोको पाउडर हो तो आप 2 टेबल स्पून ले सकते हैं, इससे ज्यादा ना ले। और ये कोको पाउडर अनस्वीट है, यानी इसमें चीनी नहीं है, बिल्कुल कड़वा वाला जो होता है कोको पाउडर वो है ये। और ये सारा हम मिक्स कर देंगे, हमने ग्राइंडिंग जार में इसको डाल दिया और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। और इसे ग्राइंड करते समय आप ये ध्यान रखें कि मिक्सी का जार गीला ना हो, बिल्कुल सूखा हुआ जार होना चाहिए, क्योंकि हमें अगर इसे 4 से 6 महीने तक रखना है, स्टोर करना है, तो सूखा जार होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी कहीं से कहीं मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। तो ये लीजिए, हमारा कोल्ड कोको प्रीमिक्स बनकर तैयार है। और इसको आप एयर टाइट जार में भर के 4 से 6 महीने तक रख सकते हैं और इसे आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है। और जब भी आप इसका यूज करें तो साफ और सूखे चम्मच का यूज करें इसको लेने के लिए। और बहुत ही बढ़िया ये कोको प्रीमिक्स तैयार हुआ है। तो यहाँ पर रख लिया है हमने एक पैन और इसमें डाल देंगे ये दूध और इसे गर्म होने देंगे। गैस को हमने रखा है मीडियम फ्लेम पे। अब ये दूध थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो एक अलग बाउल में हम थोड़ा सा दूध निकालेंगे, लेकिन उससे पहले उसी बाउल में हम लेंगे ये प्रीमिक्स। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये 2 टेबल स्पून प्रीमिक्स और इस प्रीमिक्स में हम ये गरम दूध डालेंगे। बहुत तेज गरम दूध नहीं होना चाहिए, गुनगुना दूध होना चाहिए। और इसको हम अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे इसमें, इस तरीके से। और इसको अलग रख देंगे अभी। और जो ये दूध है जो हमने पैन में रखकर चढ़ाया हुआ है, इसमें हम डालेंगे ये चॉकलेट, ये मिल्क चॉकलेट कंपाउंड है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डेरी मिल्क चॉकलेट की 1 पीस, यानी 1 डेरी मिल्क चॉकलेट डाल सकते हैं।
बाकी चॉकलेट आपकी अपनी इच्छा है, जितनी आपको अच्छी लगती है आप उतनी डाल सकते हैं। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही रख कर इसमें मेल्ट होने देंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर चॉकलेट जो है मेल्ट हो चुकी है, ये देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने प्रीमिक्स को घोल के रखा था उसको डालेंगे। अब ये मिक्सचर डाल के हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसी तरह लगातार चलाते हुए इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, यानी इसमें एक उबाल आ जाना चाहिए। 3 से 5 मिनट के बीच ये बनके तैयार हो जाएगा। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी है, क्योंकि इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर डाला हुआ है, इसलिए ये नीचे से चिपक ना जाए या इसमें लम्स ना पड़ जाए, इसलिए हमें इस तरीके से इसको चलाते हुए पकाना है। बहुत ज्यादा हमें नहीं पकाना, हल्का सा गाढ़ापन आ जाएगा, फिर हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें हल्का गाढ़ापन भी आना शुरू हो गया है, और इसका कलर मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा था तो हमने 1 टीस्पून इसमें कोको पाउडर और डाल दिया है। तो अगर आपको लाइट चाहिए, बिल्कुल लाइट सा शेड चाहिए इसका, तो जो पहले था वो इस तरीके से था और जो अब है वो थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि इसमें डार्क चॉकलेट डाला जाता है। हमारे पास डार्क चॉकलेट नहीं था, हमारे पास था मिल्क कंपाउंड, तो हमने वो डाला था, इसलिए इसका कलर थोड़ा हल्का हो गया था। इस वजह से मैंने इसमें 1 टीस्पून ये कोको पाउडर और मिक्स कर दिया। आपको जैसा कलर चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से बॉइल हो रहा है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर ये कोल्ड कोको बनकर तैयार है और ये ठंडा भी हो चुका है और ये देखिए गाढ़ा भी हो चुका है ये। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। और इसको आप ऐसे भी बनाकर रख सकते हैं और जब आपको सर्व करना है तब आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो अब बारी आती है कोल्ड कोको को सर्व करने की। तो इसे हम करेंगे मार्केट स्टाइल में सर्व, जैसे बाहर सर्व किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिए हैं लंबे ग्लास और इसमें हम डालेंगे खूब सारी आइस। और अब डालेंगे ये कोल्ड कोको। तो ये लीजिए ठंडा ठंडा कोल्ड कोको बनकर तैयार है और इसे हम गार्निश कर रहे हैं व्हाइट चॉको चिप से और डार्क चॉको चिप से, जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस गर्मियां ये जरूर बनाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा बना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।